जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरे YouTube चैनल सृष्टि ज्ञान मतलब का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि 108 हनुमान चालीसा मैंने वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा उस पर रेस्पॉन्स मिला, आप सबका खूब प्यार मिला, लेकिन आप लोग शेयर कम करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। कम से कम 50 लोगों को आप शेयर जरूर कीजिए व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, और कमेंट अवश्य कीजिएगा कि मैंने 50 लोगों को सेंड कर दिया है मैसेज। अब आपको क्या करना है, जो 108 हनुमान चालीसा पढ़नी है। कल सोमवती अमावस है, हरियाली अमावस जिसको बोलते हैं वो है, और अमावस जो शुरू हो रही है आज रात 19 जुलाई 2020 की रात को 12:17 के बाद अमावस्या तिथि लग जाएगी। तो एक तो अमावस्या रहेगी सबसे पहले, दूसरी रात्रि रहेगी, तो इसका हमको फायदा उठाना है। मेरा जो 108 हनुमान चालीसा का जो समय बताया है वो कृष्ण पक्ष की चौदस को मेन नहीं है, जो मेन है वो रात है और अमावस्या है। अमावस्या कब से शुरू हो रही है और रात्रि का महत्व हम सभी जानते हैं। रात्रि का जो जप किया जाता है, जो फल मिलता है वो अद्भुत मिलता है बजाय दिन के, इसलिए मैंने रात्रि का समय आपको बताया है। तो आपको ये रात्रि शुरू करना है रात को 12:17 पर, जैसे 20 तारीख लग जाएगी 12 बजे के बाद में आपको नहा धोकर बैठना है और 108 हनुमान चालीसा आगे पढ़ सकते हैं, तो 111, 121 आपकी इच्छा श्रद्धा के ऊपर है, पढ़ना जरूर है। और आपको जिस उद्देश्य से पढ़ना है, अगर आपको विजय प्राप्ति चाहिए, दुश्मनों से आप परेशान हैं, तो आपको दक्षिणामुखी हनुमान जी की, और आपको धन दौलत, जमीन जायदाद या पैसे की अगर आपको समस्या है, तो कर्ज से आप परेशान हैं, तो पूर्वमुखी हनुमान जी की आपको आराधना करनी है रात्रि में। तो ये तो था 108 हनुमान चालीसा का, साथ में आपको मैं बताता हूँ इसके बाद में जो अमावस्या तिथि रहेगी वो 20 तारीख को 11 बजे के लगभग रहेगी रात्रि तक, तो आपको पूरा दिन मिलेगा। और ब्रह्म मुहूर्त जो अद्भुत होता है, विलक्षण होता है, जिसका समय 3 बजे से लेकर 5:30 बजे के बीच में होता है, उस समय भी आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। या आप जो अमावस है, सोमवती अमावस है, सोमवार रहेगा, अमावस रहेगी, उस समय पे भी आप भगवान शिव की आराधना, जो मैंने बताया है जल कितना चढ़ाना है, पूजा कैसे करनी है, कब करनी है, क्या चीज चढ़ाना है, वो सब आप कीजिए, अद्भुत लाभ आपको मिलेगा। अमावस्या तिथि होने से, सर्वार्थ सिद्धि योग होने से आपको क्या करना है, वो ही काले तिल, दूध, लोटे में जल आपको लेने हैं, और किसी भी पास के पीपल में या मंदिर में अगर कोई पीपल हो उसमें आप दक्षिणमुखी होकर चढ़ाएंगे। पितरों का जो मंत्र है, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगीभ्य एवच नमः स्वाहाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः, इस मंत्र का जप करना है 3 बार, और आपको जल चढ़ाना है। काले तिल मिले हुए खीर का भी आप पितरों को भोग लगा सकते हैं, इससे पितृ शांति आपको प्राप्त होगी, क्योंकि पितृ भी काफ़ी पीड़ा पहुँचाते हैं। तो इतना आप कीजिए, सोमवती अमावस, हरियाली अमावस का फायदा उठाइए, और हो सके तो जो अमावस है, पूर्णिमा है, जो भी विलक्षण समय होता है, उस समय दान का महत्व बहुत ज़्यादा होता है, तपस्या से भी ज़्यादा उसका फल मिलता है, गोदान से भी ज़्यादा उसका फल मिलता है, अवश्य दान अवश्य करिएगा। काले तिल है, अनाज है, 7 प्रकार के अनाज आप मिला लीजिएगा, उनका दान आप कर सकते हैं। कल यदि कोई भी भूखा दोपहर में आए तो उसको अवश्य खाना खिलाइएगा, इससे देखिए भगवान विष्णु की आपको कृपा प्राप्त होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बस आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लोगों को जोड़िए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, पसंद आए तो लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे, जय श्री कृष्णा, श्री राधे।